सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, फाइव थिंग्स आई डोंट लाइक इन माय पल्सर एंड स्टोन रेड। सो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइव थिंग्स आई लव इन माय पल्सर एंड स्टोन रेड। सो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे पसंद है इस बाइक में, बट फाइव मेन थिंग्स मैं बताने वाला हूँ आपको। लीन वगैरह बिल्कुल ट्राई मत करना स्टॉक टायर के साथ। सो मैंने अभी डलवा रखे हैं अपोलो अल्फा H1 एंड भाई क्या ही रिव्यू है इन टायर्स का। मतलब मैंने 6-7 थाउजेंड चला दिए, 6 थाउजेंड चलाइए, 8 तो नहीं, बट अब तक बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड विद दिस बाइक विद दिस टायर्स। तो ये टायर्स रिकमेंड करूँगा मैं आपको। सो किसी अच्छी सी जगह रोकते हैं, देन आई विल टेल फाइव एडवांटेज ऑफ दिस बाइक व्हाई यू शुड बाय NS 200। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से डेट आई लाइक इन माय पल्सर एंड स्टोन रेड। सो वो है इसकी परफॉर्मेंस एंड इंजन। ये ही वो बाइक है जो 200cc के अंदर सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। एंड जैसे कि आप जानते हो 23.4 समथिंग की हॉर्स पावर है इसमें एंड टॉर्क 18.3 है। तो 6 गियर के साथ आती है ये 200cc के अंदर। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए कोई बाइक देख रहे हो ना, तो भाई इस बाइक को ले लो। जो ड्यूक 200 आती है उसमें एक्सलेशन अच्छा है, बट उसका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इंजन का, तो इस वजह से वो हीट ज़्यादा होती है। बट इसका थोड़ा कंप्रेशन रेशियो कम है, तो इसलिए इसका इंजन कम हीट होता है। बट अगर आप टॉप स्पीड के लिए कोई बाइक देख रहे हो, तो इससे ऊपर कोई बाइक नहीं जाती भाई 200cc के अंदर। तो 159-160 तक ले गए हुए हैं लोग इसको, BS3 वाली को। तो मेरी BS4 में 155 ले गया हूँ उसको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। तो BS6 में तो FIB आ गया है, बस उसी की इसमें कमी थी। कार्बोरेटर वाली है मेरी BS4 वर्जन। तो एनीवेज आई लव माई बाइक, कार्बोरेटर चाहे FI हो, कोई कमी नहीं छोड़ी भाई इसने परफॉर्मेंस में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं सेकंड थिंग आई लव अबाउट दिस बाइक इज़ द प्राइस एंड मेंटेनेंस। सो जब मैंने ये ली थी तो मुझको ऑन रोड ये 132 की बड़ी थी, मतलब 1,32,000 की बड़ी थी। तो अब जो FI वाली आ रही है 2022 में, वो 1.5 लाख से ऊपर है, मतलब 155 की है वो। बट इसकी प्राइस अगर अदर बाइक से कंपेयर करें हम, तो बहुत सही प्राइस है भाई इसकी, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बाइक है अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसको। तो अगर मैं कोई बाइक से कंपेयर करूँ, मतलब ड्यूक 200 तो 2 लाख से ऊपर चल जाती है और इसकी 1.5 लाख के आसपास आ जाती है ये। बाकी MT15 भी महंगी है इससे। तो अभी सनसेट हो गया था तो मैंने थोड़ी बाइक आगे कर ली ताकि लाइट आ सके, आपको थोड़ी डार्क वीडियो ना दिखे। एंड गाइज, अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो बहुत सस्ते पार्ट्स हैं इसके। अगर मैं KTM और यामा से कंपेयर करूँ तो यामा के फिर भी ठीक हैं, बट KTM के थोड़ी ज़्यादा प्राइसिंग है। तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बाइक है अगर आप लेने की सोच रहे हो तो NS 200। सो गाइज, थर्ड थिंग आई लव अबाउट दिस बाइक इज़ इट्स राइडिंग पोजिशन। तो काफ़ी अपराइट इसकी राइडिंग पोजिशन है, और अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो बहुत सही है भाई। अगर आप लॉन्ग टूर के लिए ले रहे हो तो आराम से कर सकते हो, और स्ट्रीट के लिए भी बिल्कुल बेस्ट बाइक रहेगी ये। क्योंकि आपको ट्रैफिक में से निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक को, बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी। तो हैंडलिंग के बारे में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देना चाहूँगा, बिल्कुल परफेक्ट हैंडलिंग है। तो इसकी राइडिंग पोजीशन अपराइट होने की वजह से आपको बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपकी स्पाइन वगैरह में कोई पेन नहीं होगा। दिस इज़ अ गुड थिंग। सो दिस वॉज द थर्ड थिंग आई लव अबाउट दिस बाइक, इट्स हैंडलिंग। गाइज, फोर्थ बेस्ट थिंग अबाउट पल्सर S 200 इज़ इट्स एग्जॉस्ट नोट। अगर आप 200cc के अंदर कोई बाइक देख रहे हो ना भाई, बेस्ट साउंडिंग, वैसे तो RS की साउंड मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है, बट इसमें भी थोड़ी बहुत RS जैसी साउंड आती है, मतलब बिल्कुल स्पोर्टी साउंड आती है। हालांकि मैंने अभी ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है थोड़ी लाउड आवाज़ के लिए, लेकिन अगर आप इसको स्टॉक रखोगे ना, बहुत लोग स्टॉक ही रखते हैं इसको क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ आती है स्टॉक एग्जॉस्ट में से। सो साउंड के मामले में कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको, मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्पोर्टी साउंड आएगा इसका 200cc के अंदर। मतलब ड्यूक का साउंड मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, एंड MT का भी इतना नहीं पसंद मुझे, MT15 का। बाकी अपाची का आप बोलोगे अपाची का अच्छा है, उसमें बेस आती है, तो भाई वो शुरू में होती है बेस। अगर आप RPM खींचोगे आगे ले जाओगे ना, भगाओगे इसको, तो वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल बेस, बिल्कुल नॉर्मल सी साउंड हो जाती है उसकी। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने अपाची के साउंड के ऊपर, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख सकते हो उसको। बाकी अपनी पल्सर S 200 की साउंड तो है ही परफेक्ट। सो गाइस, पांचवी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस बाइक की, कि इसके लुक्स एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशन अवेलेबल हैं इस बाइक के लिए।
आफ्टर मार्केट। सबसे पहले तो मैं लुक्स के बारे में बताता हूँ इसको। गाइज लुक एट दिस टेल। कोई बाइक आपको ऐसी टेल ऑफर नहीं करती 200 सीसी के अंदर। आई पर्सनली लव दिस लुक्स। आ जाते हैं, सबको पसंद है इसके लुक्स, मुझे नहीं लगता किसी को पसंद नहीं आएंगे। तो काफ़ी अच्छी लगती है, बड़ा सा टैंक है। लुक्स के बाद मैं आपको मॉडिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। आप हर एक चीज़ का इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब इतनी कोई बाइक ऑफर नहीं करती, इतने मॉडिफिकेशन अवेलेबल है इसके लिए आफ्टर मार्केट। तो यहाँ पर आप इसमें प्रोजेक्टर वगैरह डाल सकते हो, LED वगैरह तो डाल ही सकते हो। उसके साथ आप USD फोक्स इसमें आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ड्यूक वाले अगर आप चाहो तो। और अगर आपको ये क्लिपॉन्स वाले हैंडल बार पसंद नहीं है तो आप इसमें MT का हैंडल बार डाल सकते हो, ड्यूक का हैंडल बार डाल सकते हो। सो हम भी बहुत सारे मोड्स कराने वाले हैं इसमें, तो आपको कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा जो इंस्टाग्राम देखते हैं। बाकी बहुत जल्दी आने वाली ये वीडियो, सो गेस करके बताना कमेंट में कि क्या मोड्स आने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ड्यूक का मडगार्ड लगाया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगाई हुई है, आपको दिख रही होगी। सो गाइस इसके अलावा इसमें आपको टेल टैडी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद बहुत अच्छा लुक आता है इसका पीछे से। और 150 mm का टायर डालोगे तो और अच्छा लुक आएगा इसमें। सो गाइस ये थी 5 थिंग्स आई लव अबाउट दिस बाइक, अबाउट माय पल्सर एस 200। सो आई होप आप पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइज बहुत सारे मॉडिफिकेशन आने वाले हैं, मैंने बहुत कुछ मंगाया हुआ है, तो उसके बाद तो भाई क्या ही लुक आने वाला है इसका। मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया है प्रोजेक्ट ड्रीम बिल्ड। तो हमारी ड्रीम बिल्ड जो होने वाली है वो बिल्कुल अलग होने वाली है, मतलब कुछ अलग ही सोचा है मैंने। सो स्टे ट्यून फॉर डैट एंड फॉर नाउ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।